अली कब खत्म होगी ये रात और कब होगी सुबह? कब तक ये सब चुपचाप देखती रहूंगी मैं? मम्मी जी, पापा जी, बीजी, दादू, सबकी आंखों में उदासी छा गई है। अंगद पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे कुछ करना होगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. La 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 la. Birthday song कौन गा रहा है? La 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 la. Wow. Happy birthday, my dear. ये किराएदार birthday song किसके लिए गा रहा है? Oh, birthday boy. क्या तुम जानना चाहते हो कि पापा तुम्हारे लिए क्या-क्या लाएं birthday पे? हाँ? तो ये देखो. तुमको देख के लग रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये देखिए गाड़ी, एक ही गाड़ी, ऐसे कैसे होगा ये? अरे तो गाड़ी ये है। लेकिन अब बारी है तुम्हारे फेवरेट टॉय की, फेवरेट आसमान से यू कर, ये याद है? याद है, हैप्पी बर्थडे यार। अरे ये सब तो कर लेगा प्रीतम चौधरी, बात क्या करेगा? ये बर्थडे सॉन्ग क्यों गा रहा था? कल किस बच्चे के बर्थडे पे जा रहा है जो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहा था? कहीं इसी का तो बर्थडे नहीं आज? कोई खुद के बर्थडे पे बच्चों के खिलौने क्यों लाएगा? क्या पता किसका दिमाग है, कुछ भी कर सकता है। ए नितिन, इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक है ना? यार आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार। कैसी हेल्प? मैं कल राहुल से मिलने जा रहा हूँ ना, तो यार देख तुझे पता है कि मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और बहुत दिन हो गया यार उससे मिले हुए, तो मुझे उससे बात करने की प्रैक्टिस करनी है। इस पर प्रैक्टिस क्या करना है यार, जो बात करना है कर लेना। अरे नहीं नहीं यार नहीं, देख इस बात को समझना कि मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ यार उससे, तो कैसे कहना है, क्या कहना है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब एक काम करते हैं ना, तू जो है ना तू राहुल बन जा, और मैं तुझसे बात करता हूँ। चल ठीक है, करते हैं प्रैक्टिस। ये बात मेरे दोस्त, बेटा मैं बहुत मिस करता हूँ तुमको। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। सच? अबे ये सर क्या हिला रहा है, मुंह से बोलना। ऐसे बात करेगा तू राहुल से? कोई जरूरी हर बात का जवाब दे तुझे राहुल? हाँ यार सॉरी सॉरी, तो फिर से ट्राई करें। बेटा वहां पे सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना तुमको? नहीं पापा, आप इतने दिन क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? नहीं प्रीतम चौधरी, रोना नहीं है। एक मिनट, मैं ठीक हूं बेटा, मैं बस बिजी हो गया था, मुझे काम बहुत है, लेकिन अब मैं आऊंगा, जब बुलाएगा मैं आऊंगा। याद आती है मेरी? हाँ बहुत। और आपको? मुझे, मैं कभी भूलता ही नहीं तुम्हें। ये सब के सामने ड्रामा करता हूं कि तुम हो ही नहीं, लेकिन मेरा तो दिल और दिमाग सिर्फ तुम में लगा रहता है। आपको मम्मी रोकती है मुझसे मिलने से? उसका नाम क्यों लिया? क्यों लिया उसका नाम? तुझे पता है मुझे उसका नाम पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं। अरे यार तू, मुझे बात नहीं करनी अब। सॉरी यार मैं तो रख पॉल नहीं करनी बात। ठीक, कर क्या रहा है ये आदमी, किस पे चिल्ला रहा है?
मैं तब से उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? यहाँ हमारा परिवार बिखर रहा है और मैं करण, मुझे कुछ करना होगा, बस अब और नहीं। सॉरी यार, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तू ठीक है ना? तू अभी सो जा, कल जब तू राहुल से मिलेगा ना तब बात अपने आप निकलेगी तेरे मुंह से। ये जो जज्बात होते हैं ना, शब्द अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कल मैं तुम्हारे हॉस्पिटल जा रही हूँ करण, तुम्हारी जगह भर ले। नियम अनुसार तो आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अभी तो कुछ हफ्ते में आपकी डिलीवरी है, फिर ये जॉब कैसे करेंगी आप? वो सर, पहले मैंने भी सोचा था कि डिलीवरी के बाद ही अप्लाई करूंगी, पर अब रुक नहीं सकते। कोई बात नहीं, जब तक आपकी डिलीवरी होगी उस बीच पेपर वर्क हो जाएगा एंड वैकेंसी भी तो देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से अप्लाई कर देती हूँ, अब नौकरी मिल जाएगी ना। वो एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, मेडिकल बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है। फिक्र मत कीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई वैकेंसी होगी तो वहाँ फिट करवा दूंगा। थैंक यू। लेकिन डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को भी तो आपकी जरूरत होगी ना, फिर कैसे मैनेज करेंगे? वो सर, हमारा परिवार इतना प्यारा है कि मेरे बच्चे को वही लोग हाथों हाथ लेके पाल लेंगे। हमारे परिवार में एक बच्चे को सिर्फ माँ ने कई सारे रिश्ते मिलके पालते हैं। सो तो है, वैसे करण अपनी फैमिली के बारे में बहुत बातें करता रहता था। जी सर, वो करण के बाद सब परेशान है और करण की जिम्मेदारी उठानी है मुझे। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आज ही आपकी फाइल सिस्टम में डलवा देता हूँ ताकि जल्द से जल्द आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए। थैंक यू सो मच सर। अमृता पुत्र, सोनी, सोनी। जी मम्मा। तेरी भाभी फिर से कहीं बाहर चली गई है क्या? भाभी बाहर कहाँ जाएंगे, अपने कमरे में ही होंगी ना। नहीं है, अभी टूटू मिली थी मुझे, कह रही थी उसने अमृता को कहीं बाहर जाते हुए देखा। अरे मम्मा, भाभी कहाँ जाएंगी बाहर? मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मम्मा, भाभी कहाँ जाएंगी, घर में ही होंगी। अरे नहीं है ना बाबा, पूरे घर में देख लिया मैंने, ना अपने कमरे में है ना रसोई में। मुझे लगा नहाने गई होगी, पर नहीं, गुसल खाने में भी नहीं है। कल तो भाभी बैंक गई थी, पर आज कहाँ जा सकती हैं? वो लगता है घर पे पता चल गया कि मैं नहीं हूँ। घर पे जाके क्या कहूंगी, आज तो मम्मी जी पक्का भड़केंगी। अब हाँ अंगद, हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं घर पे आके सब बताती हूँ। हाँ आती हूँ, बाय। नहीं, मुझे मिलना था आज, वो कहां से आ गई? अरे मेरी बात हुई है मंसूर अंकल से, उन्होंने कहा था कुछ। भैया भैया रोकना प्लीज। अरे यार मैंने उसको रोका लेकिन वो रुकी नहीं। अच्छा ठीक है, तू वहीं रुक, देख मैं आ रहा हूँ। हाँ और सुन, उसको राहुल को ले जाने मत भी हो, किसी भी हालत में मैं पहुंच रहा हूँ बस। इतना बौखलाया हुआ क्यों है किराएदार, चक्कर क्या है? ए ऑटो रुकना। भैया उस ऑटो के पीछे लेना, वो जान पहचान वाले, प्लीज लीजिए आप। जल्दी लीजिए। उधर उधर
इधर उधर। हाँ राइट। ये ले। कहाँ है? अंदर गई है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो बार बहुत तमाशा किया उसने। डायलॉग क्यों मारा साहब? क्या अंदर नहीं घुसने दूंगा? अरे औरत है यार, हाथवाई तो नहीं कर सकता था ना। जा अंदर जा जल्दी। हाँ मोटी। भैया आप थोड़ी देर रुक सकते हैं तो रुक जाइए प्लीज। थैंक यू। चाइल्ड केयर हो? ये किराएदार यहाँ क्यों आया है? केयर होम में उसका क्या काम? उसने तो कहा था कि किसी दोस्त के बच्चे का बर्थडे। और गया कहाँ वो? चला गया ये प्रीतम चौधरी। ये औरत कौन है? ये हो क्या रहा है? कौन है वो औरत? झगड़ा किस बात का हो रहा है दोनों का? रिश्ता क्या है उससे? कहाँ गए ये दोनों? अभी अभी तो यहीं थे। ये फोन घर से ही होगा, सब लोग वेट कर रहे होंगे। क्या कर रही है यहाँ पे? चुप चुप के क्या देख रही है? हाँ? नहीं, वो मैं ये भाग कर रही है। बोलना कौन है तू? क्या देख रही है चुप चुप के? रुकना। क्या तू उसके साथ है क्या? हैं? मैं छोड़ी मुझे जाने दी। ऐसे कैसे जाने तू? ना इंट्रोडक्शन तो करा दे। हमारी फोटो खींची थी क्या वहाँ पे? अपना कैमरा दे। अरे कैमरा दे अपना। छोड़िए मुझे, मैं कोई फोटो नहीं ले रही थी आपकी। अच्छा तो मैं तेरी फोटो खींच देती हूँ, रुक। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि अब प्रीतम चौधरी का चक्कर किसके साथ चल रहा है। ओहो हो, तू तो पेट से भी है। ये बच्चा भी उसी का लेकर घूम रही है ना? बोल क्या बोल रही है? अरे बोलना। छोड़िए जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? पहले ये तो बता कितने महीने हो गए हैं? बोलना कब से हो तुम दोनों साथ में? बोल, बोलती क्यों नहीं है? सुनना आग का रही है, मैं छोड़ूंगी नहीं, ना तुझे ना उसको। हाँ। ये वीडियो मैं कोर्ट में दिखाऊंगी, साबित करना पड़ेगा तुझे कोर्ट में कि ये बच्चा किसका है। सुन रही है? मुड़ 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 शक्ल दिखाना। भैया चलिए। डॉक्टर आ रही है, रुकना। और रुक, कोर्ट में जवाब देना होगा तुझे। जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।